और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपने देख लिया, टॉपिक देखने के बाद हमने नोटपैड ओपन कर दिया। यहां से आप नोटपैड ओपन कर लीजिए स्क्रीन पे। नोटपैड जैसे ही हमने ओपन किया, आपको नोटपैड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को। नोटपैड पे जो है, सबसे पहले हमें जो टॉपिक लिखना है वो लिखना है HTML, टाइटल। ये चीजें हमने आपको पहले ही बताई हैं। आप देखिए, लिखना शुरू करते हैं हम यहां से HTML, टाइटल। तो वेब पेज का जो टाइटल है वो शो हो जाएगा, उस पर हमने टाइटल भी लिख दिया। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट जो है आपका टॉपिक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है आपका वो टॉपिक है। आप यहां डाल दीजिए, टाइटल बंद कर दें। उसके बाद बॉडी स्टार्ट कर लें आप। बॉडी स्टार्ट करने के बाद यहां जो वर्ड होता है, हमने H1 ले लिया। H1 का मतलब होता है हेडिंग वन। हेडिंग वन में हमने यहां टाइप कर दिया ऑर्डर लिस्ट, जो हम सामान मंगवा रहे हैं वो ऑनलाइन लिस्ट जो है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो हम माल वापस भेजेंगे वो। ऑर्डर लिस्ट में हमने हेडिंग डाल दी, हेडिंग वन ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद जो टॉपिक है हमने यहां लिख दिया OL। OL की जो फुल फॉर्म होती है वो ऑर्डर लिस्ट। OL टाइप इक्वल, जो हमारा जो टाइपिंग जो सामान आए वो कैसे आए, नंबर में आए 1 2 3 4 5, या रोमन में आए ऐसे 1 2 3 4, या ABCD में आए, ABCD स्मॉल लेटर में या ABCD कैपिटल में। तो हमने पहले आपको रोमन में शो करके न्यूमेरिकल में शो कर दिया। ये जो लिखा है आपको, ये OL टाइप लिखा है ऑर्डर लिस्ट। अगला जो है वर्ड है LI। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। जो हम सामान मंगवा रहे हैं उस सामान का क्या क्या नाम है, उस आइटम का क्या नाम है, LI खोली, LI हमने बंद कर दी। दूसरा जो सामान मंगवाया, आइटम जो मंगवाया, माउस, ये भी LI बंद कर दी, लिस्ट आइटम बंद कर दिया। इस तरह हमने 3 आइटम मंगवा लिया आपसे ऑर्डर लिस्ट में, यानी कोई भी नाम डाल सकते हो आप। कीबोर्ड, BORD, कीबोर्ड, ये जो है 3 आइटम हमने ऑर्डर लिस्ट में डाले हैं अब तक। एक बार हम इसको इतना ही लिखने के बाद अभी आप सेव करें। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करते समय फाइल का नाम आप लिख दें ऑर्डर लिस्ट, ताकि आपको याद रह जाए ऑर्डर लिस्ट डॉट ऑर्डर डॉट HTML। सेव कर दें, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी ये फाइल। आप सेव कीजिए डेस्कटॉप पे, देखना चाहते हैं आप डेस्कटॉप पे आप देख भी सकते हैं। डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देगी आपकी फाइल, जो भी आपकी फाइल है वो आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगी। क्या करना है हमें, ये फाइल मिनिमाइज कर लेनी है, और डेस्कटॉप पे जो हमारी फाइल थी वो जो फाइल है वो आप देखिए, हमारी जो फाइल है डेस्कटॉप पे वो कौन सी है, ऑर्डर के नाम से सेव है। इस पे आप कर्सर रखिए, माउस का राइट कोड दबाएं और ओपन विद पे जाएं। ओपन विद में जाने के बाद आप गूगल क्रोम में इस फाइल को आप ओपन कर लें। आप खोलिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आपका जो हमने जो सामान जो मंगवाया है, जो टॉपिक जो आइटम जो मंगवाए हैं, ऊपर आ गया हेडर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट के नाम है 1 2 3, ये हम न्यूमेरिकल में भी डाल सकते हैं। ये हम आपको अभी दोबारा, अगर आपको देखना है तो ये हम रोमन में भी डाल सकते हैं। आप रोमन में डाल के देखिए, आई डाल दिया हमने स्मॉल लेटर में। सेव कीजिए आप इस फाइल को, दोबारा आप देखिए। जैसे आप दोबारा देखेंगे, F5 रिफ्रेश कीजिए, आपको ये रोमन में दिखाई देंगे 1 2 3, ऐसे रोमन में भी शो हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि ABCD में शो करना है
तो आप फिर एबीसीडी में यहाँ प्रोग्राम पे जाइए, एबीसीडी कैपिटल वर्ड में लिखिए चाहे स्मॉल लेटर में लिखिए, आप दोनों में आपको ये शो हो जाएंगे। आप ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने एबीसीडी में टाइप कर दिया, आप सेव कीजिए, दोबारा आप देखिए आपके टॉपिक को, रिफ्रेश कीजिए F5 सेव करने के बाद, तो आपकी बारी आपके जो आइटम है एबीसीडी में आपको शो हो जाएंगे, एबीसीडी में आपके सामने ये शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हमें तो सर्कल में लेना है और किसी टॉपिक में लेना है, सिंबल में लेना है, तो आप ये सब ले सकते हैं। दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ जो लिखा हुआ है वेल टाइप, यहाँ आप सर्कल लिख दीजिए, सर्कल जो है वो हमारा सर्कल में जो है हमें सिंबल जो है वो सर्कल में दिखाई देंगे। ये हमने टाइप कर दिया ओएल टाइप सर्कल, आप किसी भी सिंबल का नाम डाल सकते हैं। सेव करें, सेव करने के बाद दोबारा आप वेब पेज पे जाके इसको देखें, रिफ्रेश करें, अब एबीसीडी में शो रहा है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपको ये सर्कल में आपको ये आइटम आपको दिखाई दे जाएंगे, ये सर्कल में भी आप शो कर सकते हैं। अभी आप देखिए ये जो सर्कल है ओएल टाइप सर्कल, सर्कल में टाइप कर सकते हैं, वैसे भी आप हटाएंगे तो भी आपको ये सर्कल में आपको दिखाई दे सकते हैं। दोनों जो चीजें हैं आप देखिए, अभी सेव कीजिए, सेव नहीं किया, पहले सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद आप देखिए दोनों तरह से आपको दिखाते हैं, ये देखिए, रिफ्रेश कीजिए, अभी जो सर्कल है आप यहाँ टाइप कीजिए CIRCLE, सेव कीजिए और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सर्कल जो बॉक्स है वो इसमें सिंबल शो नहीं हो रहा। आप जैसे ही सर्कल डालेंगे क्योंकि तो सिंबल की हमें पूरी एड्रेस उठाना पड़ेगा, इसीलिए हम इसमें सिंबल डाल सकते हैं। ऐसे सर्कल डालने से भी आपका ये सर्कल ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, ओएल को आप बंद कर दें, यहाँ रोमन की बजाय आप डाल सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं, हमने न्यूमेरिकल में डाल दिया। अगला जो टॉपिक है अब आप ओएल जो आपने खोला है वो आप ओएल बंद कर दीजिए। ओएल बंद करने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा यूएल। अभी इसी के अंदर हम यूएल टाइप करते हैं, हेडिंग वन दोबारा डालते हैं, H1 डालिए यूएल अनऑर्डर लिस्ट जो हमने डालना है, H1 आप बंद कर लीजिए। यहां आपको लिखना है यूएल टाइप की फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट, और आप रोमन में डाल दीजिए यह वर्ड, सिंबल में डाल दीजिए और आप इसको रन करा सकते हैं। डालिए यहाँ, तरीका वही LI लिस्ट आइटम जो माल हम वापिस भेज रहे हैं, CPU LI बंद कर दिया। अगला जो आइटम है हमारा वो आप डालिए, इस तरह आप हम जो जो आइटम हम बंद करना चाहते हैं, हमने RAM ले ली, कंप्यूटर में जो RAM होती है वो, यानी कोई भी आप आइटम डाल सकते हैं, और नाम डाल दें आप, माउस कीबोर्ड ये तो हमने ऑर्डर लिस्ट में डाल दिया, आप इसमें डाल सकते हैं UPS LI आप डालिए यहाँ। फुल फॉर्म वर्ड चाहे आप स्मॉल में लिख सकते हैं चाहे कैपिटल में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये जो है आपका जैसे ओएल टाइप किया था वैसे यूएल टाइप को आप बंद कर दें, बॉडी बंद कर दें। बॉडी बंद करने के बाद आप HTML बंद कर दें। ये जो टॉपिक है आपका अभी जो है इस फाइल को सेव करें, सेव करने के बाद आप फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, सेव कीजिए और फाइल को आप ओपन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, आपके जो है दोनों टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए विदाउट जो हमने डाला रोमन में जो डाला वो सर्कल में ये बॉक्स आ चुके हैं आपके। ये जो है विदाउट एड्रेस जो है कई बार शो हो जाते हैं, कई बार शो नहीं हुए, हमने ऊपर देखा तब वो ये शो नहीं हुए, अभी आपको सर्कल में शो हो रहे दिखा रहे हैं। ये क्या है जो आपका ये है ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, आप ऐसे आइटम के नाम आप डाल सकते हैं ओएल टाइप में। अब आप यूएल टाइप भी कर सकते हैं और ओएल टाइप भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ये जो है आपका ये टॉपिक है
आपका ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया है। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ये जो कैपिटल वर्ड में लिखे हैं ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इससे आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये जो है ये आपका टॉपिक है ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी एक हाथ उठाया है 4401 रोल नंबर ने, उनसे पूछते हैं। हाँ जी पूछिए। सर ये जो फ्रेम से फाइल सेव की है ना, हाँ जी, तो फाइल सेव करने के बाद जो इसका रिजल्ट आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए, वो आ ही नहीं रही। कहाँ नहीं आ रही आपको? लैपटॉप वेब पेज पे नहीं दिखाई दी आपको? आप अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई तो थी। हमारी नहीं आई ना सर। आपकी नहीं आई? ऐसे आप इसको बनाओगे ना प्रोग्राम को, लैपटॉप पे काम कर रहे हो बुढ़िया आप? यस सर। लैपटॉप पे ना मोजिला भी डला हुआ होगा आपके सिस्टम में और गूगल क्रोम भी डला हुआ होगा। तो आप मोजिला के फाइल में देखें कैसे करें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक बार आप ऐसे चेक करें, दोबारा देख लें। जैसे ये फाइल है, मैंने फाइल मिनिमाइज कर दी, ये मेरी फाइल है ऑर्डर लिस्ट की, देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस पे क्लिक करें, राइट कोड दबाएं माउस का और ओपन विद पे चले जाएं। ओपन विद जाने के बाद आप गूगल क्रोम में खोल लें, ओपन हो जाएगी और दिख जाएगी आपको। देखिए ओपन विद पे सर। हाँ ओपन विद पे क्लिक करें, गूगल क्रोम ओपन विद, ओपन विद और फिर गूगल क्रोम, आपका प्रो रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ लैपटॉप में दिक्कत होती है कई बार, क्या होता है कि कई बार ये जो है ना, हमने अभी आज सर्कल लिए, ये भी शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉपिक है आज, समझ में आ गया? यस सर। और कुछ पूछना है गुड़िया आपको? नो सर। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।